जय सियाराम भक्तजनों, प्यारे भक्तों, संत क्या समझा रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना। संत कह रहे हैं, हे मन, तू परमात्मा से, भगवान से, उस ईश्वर से प्यार कर। तो मन, अगर तू समझ गया तो तुझे वो मिलेगा जिसकी तुझे तलाश है। जैसा समय तुझे मिला हुआ है, ऐसा समय फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये उस परमपिता परमात्मा की कृपा से मिला है। और तू इसको जान करके और जो तुझे करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, वो कर रहा है जो तुझे नहीं करना चाहिए। तू इस सुख संपत्ति को अपने की तरह समझ, जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और वो जंगल जंगल भटकता रहता है, और जंगल जंगल भटकने के बाद भी उसे उसका मालूम नहीं चलता है और अपना जीवन पूरा उसी में बिता देता है। तो संत यही समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें परम पद प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त होना है, तो प्यारे भक्तों, आप सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा से जुड़ जाओ। जब आप उस परमात्मा से जुड़ जाओगे तो आपको परम पद तो मिलेगा ही, लेकिन आपको इस जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप प्रयास करते रहते हैं। प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तो आप प्रयास करते हैं फिर भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपने मन को उस परमात्मा से, उस ईश्वर भगवान से जोड़ लिया, तो आपको सब कुछ अपने आप मिलता रहेगा। तो प्यारे भक्तों, संत यही समझा रहे हैं और कह रहे हैं, अरे मन, हे जीव, तू उस परमात्मा में लग जा। और परमात्मा में कैसे लगेगा, वो संत समझाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और रात दिन चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि श्वासों की कर सुमरणी, अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व को सार है, सोहं आप ही आप। वो क्या है, वो श्वासों के अंदर है और कहीं नहीं है, वो स्वयं में स्वयं है। कहते हैं ना, स्वयं सोहं आप ही आप, वो ये क्या है, अपने आप में स्वयं है, ये ब्रह्म तत्व का सार है। तो प्यारे भक्तों, हम तो आपको समझा ही सकते हैं और बता सकते हैं, करना तो आपको ही पड़ेगा। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय सियाराम।